हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करंट अफेयर 2021 के लिए 20 क्वेश्चन का सेट देखेंगे और ये सेट नंबर 10 है। इसके पहले 9 सेट मैं करवा चुका हूं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ आप उनको भी देख सकते हैं। और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी परीक्षा की दृष्टि से जो 2021 में होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। तो यह कौन सा हो गया है? यह हो गया है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को विभाजित करके कोंगू नांडू संघ राज्य क्षेत्र का गठन करने की खबर चर्चा में है? तो यह कौन सा है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, मांझी नदी में आई बाढ़ के कारण कौन सा शहर प्रभावित हुआ है? तो वह कौन सा शहर है? तो वह धर्मशाला है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार जगह बनाने वाले मेटियो बेरेटिनी किस देश के हैं? तो यह किस देश के हैं? ये इटली के हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, विदेशी मंत्री एस जयशंकर 13-14 जुलाई को किस देश की यात्रा पर गए थे? तो इसमें 5 में हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वह है जापान का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? यह किया है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों का कौन सा पद सुमेलित नहीं है? तो कौन सा होगा? अमित शाह सहकारिता मंत्रालय सही है, अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये भी सही है, और मनसुख मंडाविया भारी उद्योग ये गलत है, और ये गलत है तो यही हमारा आंसर है, और भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मलाला दिवस जो है वह 12 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? या इटली ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, नितिन गडकरी मणिपुर राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इन्होंने किया है 16, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, पुरुषों में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब किस खिलाड़ी के नाम पर दर्ज है? तो 12 में क्या होगा? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, यानी ये सारे के सारे, ऑप्शन नंबर डी, 12 में हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? यह शुरू किया आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? तो 14 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निहाल सरीन, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? अशोक लीलैंड कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन शाखा का CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये कौन है? तो ये 15 में हो जाएंगे एनडी पामर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज मंडी समिति APMC को कृषि अवसंरचना कोष से कितनी राशि उपयोग करने की मंजूरी देती है? तो यह कितनी राशि देती है? तो यह दे दिया है 1,00,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अजीत जोगी का निधन हो गया है? तो अजीत जोगी कहाँ के मुख्यमंत्री थे पहले? तो ये थे छत्तीसगढ़ के, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कह रहा है कि जुलाई 2021 में हुए मंत्रिपरिषद विस्तार में कुल कितने नए मंत्री शामिल किए गए हैं? तो कितने नए मंत्री शामिल किए गए हैं? 36, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19,
बहेतन जल विद्युत बांध का संचालन किस देश ने शुरू किया है? तो यह किस देश ने शुरू किया है? यह चीन ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, अयमन बेनाबदर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? ये अल्जीरिया के बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, बाकी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम में मिली भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति। भारत में पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में झारबारी रेंज में मकड़ियों की दो नए प्रजातियाँ ग्रेविलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी पाई गई हैं। मकड़ियों की ये दोनों प्रजातियाँ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में समान स्थान साझा कर रही थीं। एक मकड़ी बिल या बॉम्बे में रहती है और दूसरी प्रजाति की मकड़ी कूदती है। जापान की आर्केनोलॉजिस्ट सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक्टा आर्केनोलॉजिस्ट में मकड़ियों की इन प्रजातियों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सेट 10 कर लिया है, इसके बाद हम लोग सेट 11 करेंगे। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।